राधे राधे यूट्यूब फैमिली। तो आज की शुरुआत मेरी कुछ इस तरह से हुई कि घर में पड़ी ही थी मलाई और घर में नहीं था कोई, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो मैंने 10 दिन की लगभग मलाई होगी तो मैंने इसको निकाल लिया और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसका घी, जो कि बहुत ही आराम से बहुत ही जल्दी तरीके से बन जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए निकाल के रख दो कुछ समय के लिए बाहर, तो ये सॉफ्ट हो जाती है। और इसमें ठंडा पानी मिला के इसको बढ़िया से निकाल लो और देखो मैं आराम से किस तरह से निकाल रही हूँ। तो मैंने ये वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी मतलब स्किप कर दिया कि आप लोग कहाँ तक देखेंगे, और मैंने अपने रेंचों को यहाँ दिया पानी तो उसने जल्दी जल्दी पानी पी लिया है। फिर मैंने चढ़ाया गैस पे घी और फिर मैं बर्तन पड़े थे तो मैं बर्तन धोने लगी हूँ और मुझे हंसी भी आ रही है कि कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है। काश इतना जल्दी काम रियल में भी हो और फटाफट आप लोग फ्री हो जाएँ और इंजॉय करें। और बस जल्दी जल्दी मैंने देखो आप स्पीड देखो बर्तन कितनी जल्दी धो रहे हैं। मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं फेंक रही हूँ बर्तन, धुल नहीं रही हूँ अभी आप देखना तो ऐसा लगेगा बर्तनों को मैं पटक रही हूँ। मुझे खुद देखते देखते इतनी हंसी आ रही है जब मैं उसकी एडिटिंग कर रही हूँ। देखो आप किस तरह से बर्तन फेंक रही हूँ कितनी जल्दी, ये भगवान बस इतनी जल्दी ऐसे ही काम होता जाए। और आप लोग पूरा मेरा वीडियो को पूरा इंजॉय करिएगा, पूरा देखना। लास्ट में मेरे बेटे की बर्थडे के लिए मैंने क्या शॉपिंग करी है उसमें आपको बाद में बताएंगे। और यहाँ पे अपना मैं घी भी चला रही हूँ और देखो धीमे धीमे मेरा घी बन रहा है। और ये घी मतलब चला रही हूँ कि जल्दी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको जल्दी नहीं दिखाया है कि आप बने में टाइम लगता है। और यहाँ मैं आई अपने रेंचों को लिए मैंने दिया दूध, तो रेंचों ने चट 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 दूध चाटा। मेरी पहले नौटंकी करता है फिर ये चट 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 चाटने लगे। ये इस तरह से हैं, इनको पास में आके दो तो मतलब पी लेंगे और नहीं दो तो कोई बात नहीं, बेचारे मतलब जानवर इसीलिए ऐसे ही होते हैं क्या करें। और फिर मैं यहाँ घी चलाने के लिए लगभग लगभग ये बन ही गया, बस थोड़ी देर में छानने के लिए हो जाएगा। फिर मैं इसको निकाल के बढ़िया रख दूँगी। और शुद्ध घी जो अपने घर का बना हुआ होता है वो घी बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखो फाइनली पूरा घी बन के तैयार हो गया है और अब मैं इसको यूज करूँगी। आप लोग भी इस तरह से घी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं कमेंट्स में बताना ज़रूर, और मेरे वीडियो को पूरा पूरा वॉच करना। और आगे देखना मैंने अपने मेरी बेटी की बर्थडे है 2 जुलाई की, तो मैंने मीशो से सामान ऑर्डर किया था, तो आप देखना क्या क्या आया। मतलब मैंने क्या ऑर्डर किया था, मेरे बेटे ने खुद ही ऑर्डर कर दिया था। और मुझे लगी थी यहाँ पे भूख बहुत तेज़ से क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने बनाई थी मिक्स वेज मतलब गड्ढे की सब्ज़ी। और भंडारे की जो होती है ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब बड़ी बड़ी पूड़ियाँ मीठी और ये तेल में बनाई जाती है मतलब इन पूड़ियों को, और मीठी सब्ज़ी होती है पूरी मिक्स वेज होती है, बहुत सारी इसमें सब्ज़ियाँ पड़ जाती हैं। कौन कौन बनाता है। और देखो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने बेटे के बर्थडे का सामान लेके, तो मेरे बेटे ने खुद से ही ऑर्डर कर दिया था कि अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें आया है। मैंने आ गया था लेकिन मैंने खोला नहीं था कि मेरा बेटा आ जाए शादी करके फिर मैं खोलूँगी। तो यहाँ मैंने मंगाया है नेट वाइट कलर का कर्टेन, और इसमें निकला है एक कर्टेन निकला था और एक मतलब लाइट निकली थी। तो इसको कैसे डेकोरेट करना है अब तो वो मैं तो बर्थडे पे ही डिसाइड करूँगी कैसे क्या डेकोरेट करेंगे। और यहाँ पे इसमें निकली है लाइट और इसमें देखो क्या है, मैं खोल रही हूँ। और बोला था कि मम्मी खोलना नहीं है, जब मैं आ जाऊँगा तभी आप खोलना, तो मैंने कहा चलो रखा रहने। यहाँ है बैलून, ये मतलब 100 बैलून है, 50-50 है और 50 गोल्डन है और 50 सिल्वर है। और इसमें क्या है उसी ने ऑर्डर कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं, एक दिन में 3 ऑर्डर आ गए। और मैं सोची कि मतलब क्या क्या उसने कर, यहाँ देखो इसने पंप कर दिया था हवा भरने के लिए, मतलब बैलून में हवा भरने के लिए इसमें, कि अच्छे से हो जाए क्योंकि मुंह फुलाते फुलाते थक जाते। और इसमें वो निकला है मतलब जिसमें बैलून फंसाए जाते हैं वो भी था पंप में, तो काफ़ी अच्छा आइटम है और बढ़िया इसको फ्लाएंगे, मैं बता रही हूँ कि इसमें ऐसे फ्लाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। और मेरी वीडियो को वॉच करना, लाइक करना। थैंक यू।